अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं मिक्स वेज। अच्छे से सब्जियों को वॉश करने के बाद उन्हें चॉप कर लेंगे। मैंने यहाँ पर चॉप की है शिमला मिर्च, टमाटर और बाकी सब्जी में ली थी गाजर, गोभी, मटर। अब कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे गोभी को और इसे फ्राई कर लेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। गोभी हो जाने के बाद आलू को भी फ्राई कर लेंगे। बारीक शेप में मैंने इन्हें कट कर लिया है ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाएं। दोनों को फ्राई हो जाने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच ज़ीरा, मस्टर्ड सीड्स और अब इसमें ऐड कर देंगे 2 कटे हुए प्याज। प्याज को पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। इसके सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और शिमला मिर्च। इन्हें भी अच्छे से 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। 7 से 8 मिनट हो जाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। नमक को ऐड कर देना है अपने अकॉर्डिंग और फिर से इसे पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से। मसालों को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे गाजर और अपनी फ्राई की हुई सब्ज़ी मटर, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। सारी सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए और 10 मिनट बाद इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई मेथी। मेथी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको मिक्स नहीं करना है तो आप इसे ऐसे ही लीड लगाकर छोड़ देना है। मैंने यहाँ पर कर लिया है इसे पहले से ही मिक्स और इसे मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देना है 1 गिलास पानी और इसे लीड लगाने के बाद 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे ऐसे ही पका लिया था। 20 मिनट हो जाने के बाद सब्ज़ी है बनके तैयार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।